हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एक और खबर आपके बता देते हैं, एक और बड़ी खबर वतन वापसी से ही जुड़ी हुई है। जान लीजिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 167 भारतीय श्रीनगर आ रहे हैं। आपको ढाका एयरपोर्ट की तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। देखिए, विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का वंदे भारत जो ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। ढाका से 167 भारतीय श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं भारतीय। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 167 ये वो भारतीय हैं जो वहां फंसे हुए थे लॉकडाउन की वजह से। अब उनकी हो रही है वतन वापसी ऑपरेशन वंदे भारत के जरिए। देखिए, हम आपके सामने थोड़ी देर में तस्वीरें भी पेश करेंगे। ढाका से विमान के जरिए श्रीनगर आ रहे 167 भारतीय। स्वदेश वापसी जो अभियान है वंदे भारत, वो जोर शोर से चल रहा है। ये दूसरी फ्लाइट होगी जो विदेश से भारतीयों को स्वदेश वापस लेकर आएगी। देखिए, विदेश में 14,000 से ज्यादा, करीब 14,800 के करीब ऐसे भारतीय हैं जो फंसे हुए थे लॉकडाउन के बीच। फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, कहीं पर भी फ्लाइट्स का आना जाना नहीं हो रहा था। ऐसे में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग फंसे, उनमें से जो पहला जत्था वापस आया है वो 167 भारतीयों का है और ये लोग श्रीनगर आ रहे हैं। तो देखिए, चेहरे पर खुशी इन लोगों के साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमसाए मुल्क बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आ रही है खुश करने वाली तस्वीरें। वो लोग जो ढाका में फंसे हुए थे, बांग्लादेश में फंसे हुए थे, अब 167 उनकी संख्या बताई जा रही है जो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। चलिए आपको फटाफट बता देते हैं देश और दुनिया में कोरोना का कहर किस तरह से है। और देखिए, हम आपको नक्शे के जरिए बताएंगे कि पूरी दुनिया में कोरोना ने किस तरह से अपना संक्रमण का जाल फैला रखा है। आपके सामने ये देखिए दुनिया का नक्शा है। और सबसे पहले आपको अमेरिका ले चलते हैं। यहाँ पर 12,91,721 मरीज हैं और 79,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,56,855 मरीज स्पेन में है, 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इटली में 2,15,858 मरीज हैं और 29,958 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 1,74,791 मरीज हैं, 25,987 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,69,430 मरीज हैं और 7,000 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 2,67,115 मरीज हैं और 30,615 लोगों की मौत हो चुकी है।